धौलपुर में पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराने एवं पत्रकार को गलत रूप से हिरासत में लेने के खिलाफ धौलपुर के पत्रकारों ने आज जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर आशा जिंदल द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध गलत रूप से मुकदमा दर्ज कराया गया है एवं पत्रकार गजेंद्र को पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल धौलपुर में कार्यरत चिकित्सक आशा जिंदल द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के जरिए कोतवाली थाना धौलपुर में पत्रकार ज्योति लवानिया एवं गजेंद्र कांदिल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। ज्ञापन में कहा गया है कि चिकित्सीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारिता को कुचलने और दबाने का प्रयास किया जा रहा है, सत्य को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर धौलपुर जिले के सभी पत्रकारों में रोष है। पत्रकारों ने मांग की है कि डॉक्टर द्वारा कराई गई FIR निरस्त की जाए और इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। ज्ञापन देने से पहले पत्रकारों ने जनसंपर्क कार्यालय पर एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग के बाद प्रशासन एवं पुलिस के विरुद्ध नारे लगाते हुए पत्रकार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने प्रशासन एवं पुलिस को स्पष्ट कर दिया कि कलम की ताकत को दबाने की कोशिश की गई तो कलम शांत नहीं बैठेगी। पुलिस पर्चा बयान लेने गई थी पीड़िता के यहाँ, कोतवाली पुलिस। पुलिस ने उस पीड़िता के बयान वो FIR दर्ज नहीं हुई। देखो जांच का विषय है, जांच हो गई और यानी कि डॉक्टर ने FIR दर्ज करा दी और हमारा बंदा पुलिस उठा लाई बिना जांच के, बिना जांच के, बिना किसी जांच के अरेस्ट कर लिया। पूरी रात थाने में आया। कौन सा न्याय है? और धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड धौलपुर, एडमिशन ओपन। धौलपुर में बुधवार को रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। मृतका की पहचान 55 वर्षीय सम्मी पत्नी फखरुद्दीन निवासी सागरपाड़ा के रूप में हुई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। मृतका के परिजनों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि आशियाना कॉलोनी के बगल से गुजरते रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान सम्मी निवासी सागरपाड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि 17 अप्रैल को सम्मी किसी काम से शहर आई थी, उसके बाद से ही लापता है। सम्मी के साथ उसका 12 वर्षीय पोता भी साथ आया था, जिसका अभी तक कहीं पता नहीं चला है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। बुधवार को आरोपी के गुर्जापुरा मोड़ पर खड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि विशाल पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चरण सिंह का अड्डा ने नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। मामले में आरोपी विशाल गुर्जर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। शादी के 2 साल बाद भी पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक युवक ने बुधवार को फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। युवक ने ससुराल वालों को फोन कर पत्नी को विदा करने की बात कही तो उनसे कहासुनी हो गई। मामला सैपू थाने के झीलरा गांव का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झीलरा गांव निवासी कुलदीप पुत्र पप्पू जाटव की करीब 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के बाद पत्नी को ससुराल नहीं भेजने के कारण वह अपने PR में ही रह रही थी। कुलदीप अपनी पत्नी को घर लाना चाहता था। उसने फोन कर ससुराल वालों से अपनी पत्नी को विदा करने की बात कही तो उनसे विवाद हो गया। तभी कुलदीप ने आवेश में आकर फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। उत्तरी भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार को धौलपुर में भी एक साथ 3 नए रोगी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इन दिनों सैंपलिंग कम हो रही है,
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जनवरी के दौरान 700 से 800 लोगों की रोजाना जांच हो रही थी। वहीं फरवरी में यह आंकड़ा घटकर 460 और मार्च अप्रैल में 25-30 तक ही रह गया। अगर सैंपलिंग बढ़ाई जाती है तो कोविड रोगियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इन दिनों पारा लगातार उछाल पर है, गर्मी और लू से लोग बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में जहां आमजन परेशान है, वहीं बेजवान पशु पक्षी भी पानी के लिए तरस रहे हैं। वह धूप में यूं उड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में सरमथा उपखंड के बटीकरा गांव के बटीकरा विद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा विद्यालय तथा गांव के अंदर कई स्थानों पर परिंडे लगाए गए। साथ ही विद्यालय के अध्यापकों ने परिंडों में नियमित पानी और दाना डालने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापक केशव जाल मीणा, वरिष्ठ अध्यापक राम साहिब मीणा, राजकुमार प्रजापति, विनोद परोसिया, मनोज कुमार शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, गंभीर सिंह, दिग्विजय सिंह हाड़ा, जीतेश मीणा, मोनिका आदि लोग मौजूद रहे। इन दोनों जिले में शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों के सीजन के चलते बाजार और सड़कों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके चलते लोगों को जाम से भी जूझना पड़ रहा है। बाड़ी के अंदर महाराज बाग से लेकर हॉस्पिटल रोड तक जाम लगता है। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आज भी बाड़ी और धौलपुर में जाम से लोगों को जूझते हुए देखा गया। मनिया कस्बे के वार्ड नंबर 1 में मंगलवार रात खाली पड़े प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 11 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को देर रात पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के रहने वाले एक ही परिवार के शिवदास और रामवीर के बीच प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर मंगलवार रात को दोनों पक्षों में लाठी भाठा जंग हो गई, जिसमें रामवीर पक्ष के 4 और शिवदास पक्ष के 7 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शिवदास पक्ष की ओर से प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर झगड़े की रिपोर्ट दी गई है। वहीं रामवीर पक्ष ने शिवदास के दोस्त के गलत नीयत से घर में घुसने व झगड़े की शिकायत थाने में दर्ज की गई है।